Hare Krishna. Namo yam Vishnu padaya Krishna prishthaya bhutale Shrimate bhakti vedanta swaminiti namine Namaste Saraswat deve gauravani pracharine Nirvishesha sunyavadi paschadde satarine Shri Chaitanya Mano Vishtam Sthapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahiyam Dadati Swapadantikam Bandeham Shri Guru Shri Jutapad Kamalam Shri Gurun Vaishnavansha Shri Rupam Shagrajatam Shagan Raghunathan Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijan Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagan Lalita Shri Vishakhan Vitansya Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jaya Mudirayet Nashta prayesu bhadresu nityam bhagavati sevaya Bhagavati uttama sloke bhaktir bhavati nashtike Vancha kalpatarubhyasya kripa sindubhyayevacha Patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Ekada Grihadasisu Jasoda Nanda Gehini Karmantara Nijuktasu Nirmamantha Swayam Dadhi Shri Sukha Vacha Ekada Grihadasisu Jasodananda Gehine Karmantara Nijuktasu Nirmamantha Swayam Dadhi Hare Krishna Jasodananda Gehini Karmantara Nijuktasu Nirvamantha Swayam Dadhi Ekada Grihadasisu Jasodananda Gehini Karmantara Nijuktasu Nirmamantha Swayam Dadhi Shishuka Vasa Ekata Gehda Shishu Shota Ananda Gehna Shishuka Vasa माता जी श्री सुख वासो
एकदा एक बार दीपावली के दिन गृहदास शिशु घर के दासियों को यशोदा माता यशोदा नंद गेहिनी जो नंद महाराज की गृहिणी थी कर्मांतर दूसरे कामों में अन्य काम काजों में निजुक्तासु लगा दी, निर्ममंथ मथने लगी, स्वयं स्वयं खुद दधि दधि को यह अनुवाद तो स्पष्ट है कि एक दिन माता यशोदा अपने घर के दासियों को अन्य कार्यों में लगाकर स्वयं दधि मथने लगी। तो यहाँ से सुखदेव गोस्वामी अपनी इच्छा से बिना प्रश्न किए कथा कह रहे हैं। इसके पीछे के अध्याय में कुछ श्लोक कल छूट गया है, उसको भी कहते हैं। क्यों कथा कहने लगे इसकी भूमिका मैं बताऊंगा। अभी आठवां अध्याय के 45 श्लोक तक हम लोग कल सुन चुके हैं। 46-47 नंबर के श्लोक में महाराज परीक्षित का प्रश्न है और 5 श्लोकों में उनके प्रश्न का उत्तर देते हैं। लेकिन उत्तर देने के बाद भी सुखदेव गोस्वामी को संतुष्टि नहीं हुई तो 9वां अध्याय अलग से बिना प्रश्न किए प्रारंभ किए। तो प्रश्न है, जेन्युइन प्रश्न है, राजवाच 8वां अध्याय के 46-47 नंबर का श्लोक में नंद किम करोत् ब्रह्म श्रेय एवं महोदयम् यशोदा च महाभागा पपौ यस्य स्तनम् हरिः। महाराज पूछ रहे हैं कि नंद की मकरोद ब्रह्म श्रेय एवं महोदय। हे भगवान, हे गुरुदेव, नंद बाबा ने ऐसा कौन सा मंगल कार्य किया था, ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया था और परम महाभाग्यवती यशोदा ऐसा कौन सी काम की थी जिसके कारण भगवान उनका स्तनपान किए। ऐसा कौन सा तपस्या नंद बाबा किए थे और यशोदा कौन तपस्या की थी। जैसे साधारण जनता की ये स्थिति है कि अपने अनुसार ही दूसरे को भी देखता है अपने चश्मा से। चश्मा जैसे बच्चे पहनते हैं, कोई प्लास्टिक का चश्मा, तो लाल वाला चश्मा पहनेंगे तो सब लाल दिखाई देगा, हरा वाले पहनेंगे तो हरा और काला वाले पहनेंगे तो सब काला काला दिखेगा। वैसे ही जिसकी अपनी जैसी दृष्टिकोण है वैसा ही दिखता है। तो यहाँ तो प्राय ऐसा ही देखा सुना गया है कि जो तपस्या करता है, पुण्य कर्म करता है, उसी को कुछ विशिष्ट चीज़ प्राप्त होती है। ऐसे जनरल पब्लिक को तो प्राप्त होती नहीं। तो यशोदा और नंद कौन तपस्या किए थे कि भगवान उनका पुत्र बने, इतना बात्सल्य स्नेह प्रदान किए। वास्तव में यशोदा और नंद भगवान के नित्य माता पिता हैं, कोई तपस्या के परिणाम से इनको यह अवसर नहीं मिला था।
लेकिन अब प्रश्न ऐसा ही कर दिए, प्रश्न बहुत सस्ता है, बहुत गंभीर प्रश्न नहीं है इनके दृष्टि में, तो लोक दृष्टि से महाराज परीक्षित पूछ रहे हैं। हालांकि महाराज परीक्षित को भी इस तरह का डाउट नहीं है, लेकिन कभी कभी प्रश्न अन्य श्रोताओं के लिए भी पूछा जाता है। तो कहते हैं, नंद किम अक्रोध ब्रह्म श्रेय एवं महोदयम। नंद बाबा, ऐसा कौन सा मंगलमय साधन किया था, और जसोदा च महाभागा, और जसोदा महाभागवती जसोदा ऐसा कौन सा कर्म की थी जिसके कारण भगवान जस्याम अस्तनम हरि ही पपऊ, जिसके कारण भगवान हरि अपने मुख से उनका स्तन पान किए, यह सौभाग्य जसोदा को मिला, ये किस पुण्य का फल है, किस पुण्य के कारण जसोदा को ये सौभाग्य मिला स्तनपान कराई। अच्छा, दूसरे श्लोक में कहते हैं, पितरौ नानो बिंदेतम कृष्णो दारार्बके हितम गायंत अद्यापि कभयो यह लोक समलाप हम। कहते हैं, जिस श्री हरि के जस आज तक कभी लोग गा रहे हैं, गाते हुए आघाते नहीं हैं, न्यूज पेपर की तरह बासी नहीं होता है, जो खूब शौकीन है अखबार पढ़ने वाले वे भी पूछते हैं कब का पेपर है, तो अगर कह दीजिए कि परसों का है या कल का है, तब क्या प्रसंग, आज का नहीं है, तो इतना शौकीन हो तो वही पढ़ लो ना, वो बासी हो गया। लेकिन श्री कृष्ण का चरित्र बासी नहीं है, असली न्यूज यही है, अनादि काल से अनंत काल तक जब से सृष्टि है उसके पहले से भगवान का ये दिव्य चरित्र है श्रीमद् भागवतम, और अनंत काल तक रहेगा, जब सृष्टि समाप्त हो जाएगी तब तक यह कभी बासी नहीं होता। कल पढ़ लिए तो यह नहीं कह सकते अच्छा वही है भागवत क्लास, ऐसा कोई नहीं कह सकता, क्योंकि इसमें कृष्ण का चरित्र है। तो कह रहे हैं, गायंती अद्यापि कवयो, आज भी कवि लोग गाते हैं और गाते रहेंगे, जब लोक समलाप हम, इस लोक के मल को समाप्त करने वाला, लोगों के पाप को, पाप ताप को शांत करने वाला भगवान का चरित्र है, ऐसे दिव्य चरित्र वाले भगवान अपने माता पिता माने जिनके गर्भ से जन्म लिए वसुदेव और देवकी को यह सौभाग्य नहीं मिला, देवकी नहीं स्तनपान करा पाई, वो नहीं अपने बालक का लाल लड़ा पाई, और यह सौभाग्य जसोदा और नंद को प्राप्त हुआ, किस तपस्या का फल था, कौन सा ऐसा तपस्या किए, कम जानकार लोग जानते हैं क्या कहते हैं, राधा बड़ भागनी कौन तपस्या किन, बाप रे बाप, तपस्या करके राधा रानी को श्याम सुंदर मिले हैं, क्या तपस्या के फल से मिले, तीनों लोक के जो अधीश्वर है वो तेरे अधीन कैसे है पूरा हो, हाँ तीनों लोक तारन तरना तो सो तेरो अधीन, राधा बड़भागिनी कौन तपस्या किन, तीनों लोक तारन तरना सो तेरो अधीन, राधा रानी तपस्या की है इसलिए श्याम सुंदर उनके अधीन है, वो नित्य प्रिया है, किसी तपस्या के परिणाम से वो कृष्ण को प्राप्त नहीं की है। अब इसको कैसे बुद्धू समाज में समझाया जाए थोड़ा कठिन हो जाता है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, जैसे अग्नि और अग्नि ज्वाला को अलग नहीं किया जा सकता, जैसे कस्तूरी और उसके गंध को अलग नहीं किया जा सकता, वैसे राधा और कृष्ण को अलग नहीं किया जा सकता, दोनों एक है। अगर आग से उसकी दाहिका हटा दे तो आग का मतलब ही नहीं, आग का मतलब कि उसमें दाहिका होना चाहिए, कस्तूरी का अर्थ कि उसमें गंध होना चाहिए, उसका गंध और कस्तूरी अलग नहीं हो सकता, वैसे प्रिया प्रियतम राधा और कृष्ण अलग नहीं होते, ये लीला विशेष के रस आस्वादन के लिए धरे द्विदेह द्विदेह, कृष्णदास कविराज कहते हैं कि लीला आस्वादन के लिए दो रूप में है, और वही जब दोनों एक हुए तब चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु के रूप में कृष्ण और राधा एक साथ है, राधा कृष्ण अब मिली गौर रूप अवतरी, गौर रूप में अवतार लिए, तो ये भिन्न नहीं है। कभी कभी लोग ऐसे उठपटांग प्रश्न करते हैं अनजान लोग,
कि राधा से तो विवाह नहीं किए, उनके साथ क्यों रहते हैं, रुक्मिणी सत्यभामा के साथ कभी नहीं दिखते। अरे वो राधा कृष्ण विवाह करें न करें हैं एक तत्व, जैसे अग्नि और दाहिका, गंध और कस्तूरी, वैसे। तो अब नहीं जानने के कारण आश्चर्य कहते हैं, बाप रे राधा बड़भागिनी कौन तपस्या खीन, तीनों लोग तारन तरन सो तेरे आधीन। आश्चर्य हो गया, आश्चर्य तो तब हो गया कि इस रहस्य को जानते ही नहीं। इसलिए तो अब नंद और यशोदा कौन तपस्या किए कि माता पिता बने, वो बने हैं कि हैं ऑलरेडी नित्य माता पिता हैं, लेकिन प्रश्न बड़ा बेतुका कर दिए। सुखदेव गोस्वामी भी तिलमिला गए, तो सोचे कि चलो इसी स्टाइल में उत्तर दे देता हूँ। अब गंभीरता से नहीं लिए, लेकिन उनको बाद में क्षोभ हुआ कि चाहे जो भी हो नंद यशोदा के स्वरूप का निरूपण करना पड़ेगा। तब आगे शुरू में कह दिए पांच असन, द्रोणो बसु नाम प्रवरो धरया सह भार जया करिष्माण आदेशान ब्रह्मण स्तम वाच। सृष्टि के प्रारंभ में एक वसु था जिसका नाम था द्रोण, और उसकी पत्नी का, उसकी भार्या का नाम था धरा। द्रोण और धरा नाम का दो एक दंपति थे, एक वसु, और ब्रह्मा जी ने उनको आदेश किया सृष्टि करने के लिए। करिष्माण आदेशान ब्रह्मण तम वाच। जब वो लोग सृष्टि करने के लिए आदेशित हुए, ब्रह्मा जी उनको आदेश दिए कि जाओ तप करो और सृष्टि करो, तो जात जो नौ महादेवे भुवि विशेश्वरो हरहु भक्ति सात परमालोके ययान जो दुर्गतिम तरेत। तो वे लोग ब्रह्मा जी की प्रीति के लिए तपस्या तो किए, लेकिन ब्रह्मा जी से एक अपनी बात रखे, कहे कि हम सृष्टि करेंगे लेकिन जब हम पृथ्वी पर जाएंगे तो जगदीश्वर भगवान तीनों लोकों के स्वामी श्री कृष्ण हमारे पुत्र हों, और उनसे हमारी प्रेममयी भक्ति हो, जिनकी भक्ति करके लोग दुर्गति को प्राप्त कर लेते हैं। भक्ति स्यात् परमालोके यजांजो दुर्गतिम तरेत। जब हम पृथ्वी पर जन्म लेंगे तो हमारी प्रेमा भक्ति कृष्ण के साथ होनी चाहिए, वह हमारे पुत्र होना चाहिए, हम उनको लाल लड़ाएं। तब ब्रह्मा जी कहे अस्ति तुक्त सब भगवान ब्रजे द्रोणो महाजस। तो ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है ऐसा ही होगा। अस्ति इति उक्त, ठीक है ऐसा ही होगा। सब भगवान ब्रजे द्रोणो महाजसा, तो जग्गे नंद इति ख्यातो यशोदा सा धरा भवत। तो ब्रह्मा जी आशीर्वाद दिए कि ठीक है आप ऐसा ही होगा। तो ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से वही द्रोण और वही धरा नंद और यशोदा के रूप में आए। द्रोण का नाम हुआ नंद और धरा का नाम हुआ यशोदा, इस नाम से विख्यात हुए। ततो भक्तिर भगवती पुत्री भूते जनार्दने जग्गे नंद इति ख्यातो यशोदा सा धरा भवत। ततो भक्तिर भगवती पुत्री भूते जनार्दने दंपत्यो नितराम आसीद गोप गोपीश भारत। हे भरतवंशी हे परीक्षित, अब इस जन्म में जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ाने वाले श्री भगवान उनके पुत्र हुए, और गोप गोपियां जो पति पत्नी नंद बाबा के अधीन हुए, और आज श्री कृष्ण से उनका ये प्रेम हुआ है। तो कृष्णो ब्रह्मण आदेशम सत्यम कर तुम ब्रजे विभु। फिर ब्रह्मा जी की बात सत्य करने के लिए भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ सह रामो ब्रजन चक्रे तेषाम प्रीति सलीलया। ब्रह्मा जी कह दिए थे ठीक है ऐसा ही होगा, तो भगवान अपने अंश अपने स्वरूप बलराम जी के साथ ब्रज में आए, और ब्रजवासियों के साथ नंद और यशोदा को आनंद दिए। तेषाम प्रीतिम सलीलया। ब्रह्मा जी कह दिए थे ठीक है ऐसा ही होगा, तो ब्रह्मा जी की बात सत्य करने के लिए भगवान ब्रज में आए, और उसी धरा और द्रोण जो नंद और यशोदा के रूप में आए थे उनका पुत्र बने, उनको सुख दिए। उत्तर हो गया, लेकिन सुखदेव गोस्वामी को बड़ा ग्लानि हुई
कि ये फर्स्ट प्रश्न भी थर्ड क्लास के किया और उत्तर भी मैं थर्ड क्लास का दे दिया। भगवान के माता पिता पर डाउट करना ये तो अपने आप में गलती है, और मैंने बताया नहीं कि नित्य माता पिता हैं, इनको कितना स्नेह है भगवान से और भगवान कितना इनसे स्नेह करते हैं। तो इस बात को बताने के लिए अगला अध्याय चालू कर दिए बिना प्रश्न किए। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी, सभी लोगों ने ऐसा कहा है। अब पूरी कथा कहने के बाद जब दामोदर लीला कह लिए तब जानते हैं क्या कहते हैं अपने बात को काटते हुए लास्ट में, कहते हैं कि जो सौभाग्य यशोदा को मिला वैसा सौभाग्य ब्रह्मा को नहीं मिला। शिव के बस की बात नहीं है, लक्ष्मी को भी नहीं मिला, यह तो केवल यशोदा के भाग में है। नेमम बिरिंचो न भव न श्री अप्यंग संशया प्रसादम ले भीरे गोपी यत्त प्राप्त विमुक्तिदात। नौवां अध्याय जो प्रारंभ करने जा रहे हैं उसके विश्वास श्लोक में कमेंट्री दे रहे हैं, तीन श्लोकों में कमेंट्री दिया है सुखदेव गोस्वामी। एवं संदर्शिता ह्यंग हरिणाभृत वश्यता, 19-20-21 तीन श्लोक में। तो कहते हैं न इमं बिरिंचो, न ऐसा अधिकार और सौभाग्य ब्रह्मा को है, न भव न शिव को है, और न श्री न लक्ष्मी को। अरे लक्ष्मी तो बहुत निकट है, तो हाँ मैं भी जानता हूँ, श्री अपि अंग संशया, भगवान के वक्षस्थल पर रहती हैं, फिर भी लक्ष्मी का हिम्मत नहीं कि भगवान के कमर में रस्सी लगा दे, इतना साहस नहीं लक्ष्मी को है, और ब्रह्मा शिव का कहाँ ताकत है कि उनको बांध दे। ये तो केवल यशोदा के ही भाग में है। प्रसादम ले भीरे गोपी यत्त प्राप्त विमुक्तिदात, सॉरी मैंने आपको कह दिया कि तपस्या करके लोग नंद यशोदा बने थे, नहीं ये तो नित्य माता पिता है। नायम सुखाप भगवान देहि नाम गोपिका सुत, ऐसा नहीं है, वो गोपिका सुत है, यशोदा के नित्य पुत्र हैं, यशोदा और नंद उनके नित्य माता पिता हैं। इस पर लास्ट में कहेंगे, इसको कहा जाएगा शाम के सिटिंग में, लेकिन अभी कहने जा रहे हैं कि देखो अब धारा और द्रोण ये यशोदा और नंद के शरीर में आकर उस सुख को लिए ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से, लेकिन ओरिजिनली माता पिता तो नंद यशोदा हैं। भगवान के साथ कृष्णावतार में और चैतन्य महाप्रभु के परिकरों में भी एक एक शरीर में दो दो लोग आकर लीला का स्वादन किए हैं। जैसे प्रद्युम्न जी के अंदर कामदेव आया है, कामदेव प्रद्युम्न उनके भगवत स्वरूप हैं, चतुर्विहु के अंदर प्रद्युम्न है, लेकिन उनके अंदर कामदेव आकर अपना शिव जी का जो वरदान था रति के प्रति कि तुम्हारा पति रुक्मिणी के गर्भ से अवतार लेगा कृष्ण अवतार में, तो वो दोनों थे। उसी प्रकार भीमसेन भगवान के नित्य परिकर हैं, लेकिन उनके साथ पवन देव आकर भगवान की लीला में सहायता किए। अर्जुन उनके नित्य परिकर हैं, लेकिन उनके साथ इंद्र आकर उनके लीला में सहायता किए, सेवा किए। और महाराज युधिष्ठिर उनके नित्य परिकर हैं, उनके अंदर धर्मराज आकर सेवा किए। उसी प्रकार द्वारिका के अनेक परिकरों में जो नित्य परिकर हैं उनके साथ भी कुछ देवता लोग आए हैं ब्रह्मा जी के आदेश से कि आप जाकर सेवा करो। तो वैसे ही यशोदा और नंद नित्य माता पिता हैं, फिर भी ये द्रोण और धरा उनके अंदर आए हैं। तो अब यहाँ प्रारंभ कर रहे हैं उनके वात्सल्य की परिसीमा, एकदम वहाँ तक कोई नहीं पहुँच सकता, शिव ब्रह्मा का भी पहुँच नहीं है। तो उसी कथा को कहने के लिए चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं, सनातन गोस्वामी भी, कि सुखदेव गोस्वामी को इस बात के लिए बड़ा ग्लानि हुई कि मैंने इनको बड़ा साधारण ढंग से उत्तर दे दिया, लेकिन इसको बताना पड़ेगा कि नंद और यशोदा कौन है। तब कह रहे हैं कि एकदा गृहदासी सु यशोदा नंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्ता सु निर्ममंथ स्वयं दधि। माँ यशोदा के पास जब बार बार रहना आने लगा कि हमारे घर माखन खाया, यहाँ आया, वहाँ आया, ये किया वो किया, तो माँ यशोदा के मन में एक बात आई कि लगता है कि दासियाँ ठीक से माखन नहीं निकालती हैं,
बच्चा नहीं खाता है उसके कई कारण है, हो सकता है कि स्वादिष्ट न हो, दूसरी बात कि दासियां मन से नहीं निकालती हों, या किसी का नजर लग जाता होगा इसलिए बच्चे बिरह जाते हैं, नहीं खाते पीते हैं। तो माँ यशोदा स्नेह के कारण खीरक में गई, और इसको सनातन गोस्वामी कहते हैं कि खीरक में जा करके अपने हाथ से दूध दुही, स्पेशल गाय का दूध दुही, वो पद्मगंधा गाय। उनके सनातन गोस्वामी के टीका को ही प्रस्तुत करते हुए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि नंद बाबा के गायों में हजारों गाय थी, उन गायों का दूध दुह कर, 1000 गाय का दूध दुह कर स्पेशल 100 गायों को पिला दिया जाता था, और उन 100 गायों को स्पेशल घास जड़ी बूटी खिलाया जाता था, और फिर उनका दूध दुह करके 10 गायों को पिलाया जाता था दूध, और फिर 10 गायों का दूध दुह कर एक स्पेशल पद्मगंधा गाय थी, जिसके दूध से शरीर से कमल का गंध निकलता था, उस दूध को कृष्ण बलराम के लिए रखा जाता था, एकदम पौष्टिक जड़ी बूटी औषधि से युक्त। तो उस दूध को, उस पद्मगंधा गाय को दुहने के लिए आज यशोदा स्वयं गई है खीरक में, और अपने हाथ से दूध निकाली, अपने आंचल से ढक कर किसी का नजर न लगे, घर में आई, अपने हाथ से गर्म की, अपने हाथ से जामुन डाली, और एकदम भोर में, दही का स्वभाव है कि जितना देर होता है सूर्योदय के बाद उतना उसमें खटास बढ़ता है, खट्टा होने लगता है, सूर्य निकलने से पहले एकदम भोर में 4 बजे दही मथ रही है, और प्रतिदिन लाला के जगने के बाद एक बार स्तन पीता है तब जगता है, उठता है, तो बेड पर ही पड़ी रहती थी यशोदा रोज, लेकिन आज लाला को छोड़ दी है बेड पर, और छोड़ करके बगल में ही, निकट में ही दही मथ रही है अपने स्वयं, और दूसरे दही रोज जो मथती थी वो दासियां क्या कर रही हैं। दीपावली का समय था, सनातन गोस्वामी कहते हैं घर में बहुत काम बढ़ गया था, प्रभुपाद कहते हैं कि दीपावली में लोग वार्षिकोत्सव मनाते हैं, आज भी बॉम्बे शहर में मनाते हैं, और फुलझारी पड़ाका ये सब छोड़ते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं, लक्ष्मी पूजा करते हैं, साल में एक बार बड़ा ठाट बाट से 22 परिवार के लोग दीपावली बहुत मनाते हैं, लक्ष्मी पूजा अमावस्या दीपावली को करते हैं, तो आज शहरों में ये धूमधाम से मनाया जाता है। वैसे ही ब्रज में भी एक प्रचलन था, घर की सफाई, दरवाजे की सफाई, गलियों की सफाई करते, विभिन्न प्रकार के पकवान बनाते थे, और पकवान बना करके पूजा करते थे, किसका, इंद्र का, इंद्र यज्ञ करते थे, शाम को लक्ष्मी का पूजा करते थे, दिन में इंद्र का पूजा करते थे, तो ये सब बहुत से काम हो जाता है, जब कोई फेस्टिवल आता है तो बहुत काम बढ़ जाता है, रथ यात्रा के समय आप लोगों का अनुभव है, जन्माष्टमी के समय कितना काम बढ़ जाता है, ये करना वो करना, यहाँ डेकोरेशन करना, वहाँ सजावट करना, काम बांटना पड़ता है, काम बांटने के बाद भी नहीं होता है पूरा, देखना पड़ता है, एक्स्ट्रा लोगों को लगाना पड़ता है, अधिक मैन पावर चाहिए। तो अब दासियों को लगा दी माँ यशोदा दूसरे काम में, और स्वयं दही मथने लगी। स्वयं दही मथने का अर्थ है कि यशोदा जी पहले नहीं दही मथती थी, स्वयं शब्द कह रहा है कि रोज रोज नहीं मथती थी, रोज प्राय दासियां मथती थी, लेकिन आज स्वयं मथ रही है, और स्वयं के पीछे कह रही है कि नंद गेहिनी मथ रही है, रानी जी मथ रही हैं, नंद बाबा की रानी नंद गृहिणी मथ रही है, और यशोदा मथ रही हैं, और यशोदा का अर्थ खूब एक एक श्लोक पर इतना रमे है टीकाकार लोग कि मैं क्या बताऊं। जसह दायति यशोदा, जो कृष्ण को अब तक जो जस किसी ने नहीं दिया वह जस दी, क्या कि मैं भक्तों के दास, भगत मेरे मुकुट मणि, जैसे मुझको रखे भक्त वैसा मैं हो जाता हूँ, बांधे तो बंध जाता हूँ, उखल में बंध कर सारे दुनिया को दिखा दिए कि मैं भक्तों के अधीन हूँ। सुखदेव गोस्वामी भी 3 श्लोक में गाए हैं खूब उदार भाव से, क्यों, ज्ञानिनाम चात्म भूतानाम यथा भक्ति मतामिह, 21 नंबर के श्लोक में, नायम सुखाप भगवान देहिनाम गोपिका सुत, ज्ञानिनाम चा आत्मभूतानाम यथा भक्ति मतामिह,
जैसे मेरे भक्त मुझको प्रिय हैं, मैं भक्तों के जैसा अधीन हूँ, वैसा ज्ञानियों का नहीं, वो ब्रह्म चिंतन करने वालों का नहीं, उन जोगियों का, अष्टांग जोगियों का नहीं, मैं तो अपने भक्तों के अधीन हूँ। और किसी भी तपस्वी, कर्मकांडी, देहाभिमानी, स्वरूपभूत ज्ञानी, अद्वैतवादी, किसी के बस में मैं नहीं हूँ, मैं तो अपने भक्तों के अधीन हूँ। जो भक्त मेरे मुझको जैसा चाहे, जैसा करे, वैसा मैं तैयार हूँ। तो यह जस भगवान को दी, दामोदर नाम दी, उदर में दाम लगा करके विश्व विख्यात दामोदर रूप प्रकट की माँ यशोदा, ऐसा किसी ने जस नहीं दिया। और भक्त लोग इतना खुश हो गए बन्हने से कि एक महीना बांध करके आरती करते हैं, बन्हे रहो, उनको मजा आता है, आरती करते हैं। भक्त अपनी विजय महसूस करते हैं कि आज हमारे हमारे ग्रुप का विजय हुआ है। भगवान त्रिलोकी को बांध कर रखते हैं, जिनके बस में शिव ब्रह्मा बंधे हुए हैं, बैल की तरह वेद की आज्ञा में नथे हुए हैं। शिव ब्रह्मा, इंद्र, वरुण, कुबेर, जमराज, जिनके आज्ञा के बिना कुछ नहीं कर सकते। हम लोग भले दीक्षा लेने के बाद भी कभी मंगला आरती आवे या न आवे, कभी ठीक से जप हो या न हो, लेकिन सूर्य का हिम्मत नहीं है कि एक सेकेंड विलम्ब उगेगा और एक सेकेंड विलम्ब डूबेगा। यह है उनकी आज्ञा। मद भयात बाति बातो यम सूर्यस्तप्ति मद भयात, कहते हैं भगवान कपिल देव, मेरे भय से, आज्ञा भय से सूर्य उगता है, चंद्रमा उगता है, वर्ष तिंदो दहत अग्नि, मेरे भय से इंद्र वर्षा करता है, अग्नि में दाहिका शक्ति है। प्रवचन करते करते भगवान कपिल को आवेश आ गया कि सारे जगत को आप कह रहे हैं भक्ति करो भक्ति करो, वहाँ भी टीकाकार लोग लिखते हैं भक्ति का महत्व है, ज्ञान का नहीं, कर्मकांड का नहीं। तो माता देवती को डाउट हो गया कि देवता लोग नाराज हो जाएंगे, तब आप अपनी भक्ति की बातें कहते जा रहे हो, देवता लोग नाराज हो जाएंगे। तो इतना हिम्मत है, मद भयात बात बात हो एम सूर्यस्तपति मद भयात, ये सब मेरे नौकर हैं, अगर तुम मेरी भक्ति करती हो तो देवताओं का हिम्मत नहीं कि नाराज होंगे तो बर्खास्त कर दिया जाएगा। नाराज होंगे तो ड्यूटी से हटा दिया जाएगा, उनका पद छीन लिया जाएगा, मैं सबका कंट्रोलर हूँ। भगवान ऋषि के रूप में थे कपिल देव, लेकिन आवेश में स्वयं कह रहे हैं मद भयात, मेरे भय से वर्णन कर रहे हैं भगवान की भक्ति। और माता को थोड़ा डाउट हुआ तो एकदम कहने लगे मेरे अधीन है, इनका इतना हिम्मत कि नाराज हो जाएंगे, हमारी भक्ति करने पर खुश होंगे, नाराज क्यों होंगे। तो इस तरह भगवान जिसके अधीन सारा जगत है, सारे देवता जिनके अधीन है, वो एक गोपी के अधीन होकर बन गया। तो मानो भगवान यह दिखा दिए कि मैं जरूर सबके कंट्रोलर हूँ, लेकिन भक्त मेरे कंट्रोलर हैं, मुझको भक्त कंट्रोलर कंट्रोल करते हैं, यहाँ बंधे रहो बंधे हैं बस। दृष्ट्वा परिश्रमम कृष्णम कृपया सिद्ध सो बंधने, ये सब श्लोक आएगा। देख लिए कि हमारा भक्त इतना जिद कर रही है माँ यशोदा, तो बंध गए, ठीक है कृपया सिद्ध सो बंधने, अपने बंधन में बंध गए, यशोदा के प्रेम बंधन में बंध गए, रसी में नहीं बंधे। देख लिए कि मैया का जीत है तो चलो बंधा था। तो यह कथा सुखदेव गोस्वामी बड़े आनंद से कहते हैं, जो जस यशोदा ने दिया है वैसा जस किसी ने नहीं। और एकदा का भी अर्थ एक टीकाकार करते हैं, एकदा एकमात्र श्री कृष्ण को जो प्रदान करती है और किसी में नहीं। एकदा माने एक समय, एकदा एक को देने वाली, यशोदा और एकदा दोनों का अर्थ करते हैं, जस प्रदान करने वाली और एक श्री कृष्ण को अपने अधीन रखने वाली। माँ यशोदा स्वयं दधि मथने लगी, निर्ममंथा स्वयं दधि। जिससे प्रेम होता है उसका काम व्यक्ति को अपने हाथ से करने में आनंद आता है। यदि नौकर चाकर सब लोग हैं करें, लेकिन ये आनंद नहीं आता। कोई विशिष्ट व्यक्ति है, कोई बड़ा व्यक्ति है, अपना व्यक्ति है, तो नौकर से कोई माँ नहीं सह पाएगी कि नौकर या दासी हमारे बच्चे को खिलावे पिलावे नहलावे कुछ करे, अपने हाथ से करने में सुख की अनुभूति करती है। तो दूध में स्वाद है, माखन में स्वाद है, दही में स्वाद है, लेकिन माँ के स्नेह में जो स्वाद है वो दूध में नहीं है। तो
तो माँ के मन में है कि हमारे बच्चे को एक माखन अच्छा नहीं लग रहा है, इसका मतलब कि अच्छा माखन दासियाँ नहीं निकाल रही हैं और लोगों का नज़र लग जाता है, इसलिए बड़ी सावधानी के साथ अपने लाला को माखन निकालना चाहती है, ये उलहना छोड़ा देना चाहती है। जब मीठा माखन खिलाएगी तो अनुभव करेगा कि अरे हमारे घर में तो बड़ा स्वादिष्ट माखन है। तो इसके लिए स्नेह में भर कर मैया यशोदा दही मथने लगी। सोची मीठा माखन निकालूंगी, भोर में दही खट्टा हो जाता है इसलिए माखन में भी खटास आ जाता होगा, एक गंध आ जाता होगा, इसलिए बच्चा नहीं खा रहा है। भोर में माखन निकालूंगी, अपने लाला को जगाऊंगी और प्रेम से खिलाऊंगी, फिर किसी के घर नहीं जाएगा। इस स्नेह के कारण दही मथने लगी। अच्छा, दही मथते समय कृष्ण को बेड पर छोड़ दी है और कृष्ण के विगत लीलाओं का, पुतना उद्धार, तृणावर्त और वहाँ जो कुछ घटना हुआ, सकट भंजन आदि लीला, कोई भी लोक में कुछ अद्भुत घटनाएं हो जाती हैं, आश्चर्यजनक चमत्कारिक घटना, तो उसको लोक के कवि लोग लोक गीत बना देते हैं। वो घटनाएं गीत में पिरो दी जाती है उस लोक भाषा में, जहाँ का भाषा हो, बंगला हो, उड़िया हो, या भोजपुरी हो, हिंदी हो, ब्रजभाषा हो, लोग कवि लोग जरूर उस घटना की चर्चा करते हैं। तो पुतना उद्धार असाधारण घटना है, उस पर कविता तो बनी ही होगी ब्रजभाषा में, और सकटासुर, तीर्णावर्त, तो लोक भाषा में जो कविताएं बनी थी उन कविताओं को कृष्ण के बाल चरित्र को गा रही थी। जानी जानी ही गीतानी तद बाल चरितानि च दधि निर्मंथने काले अस्मरन्ति तान्य अगायत। तो यानी जानी ही गीतानी, भगवत धाम में तो आप लोग सुने हैं कि वहाँ का गाना, वहाँ का बोलना, वहाँ का चलना सब कुछ अद्भुत है, वहाँ की वाणी ही गान है, वहाँ का चाल ही नृत्य है। तो भगवत धाम की ये वैकुंठ जगत की ये स्थिति है। तो यानी जानी ही गीतानी तद बाल चरितानि च दधि निर्मंथने काले स्मरन्ति तान्य गायत। दही मथ रही है लेकिन वाणी से भगवान के बाल चरित्र को, पुतना उद्धार आदि लीलाओं को गा रही हैं, वर्णन कर रही हैं। और उस दधि के मथने समय स्मरन्ति तान्य गायत, जिन लीलाओं को गा रही है उसी को मन से स्मरण कर रही है। इसे एक शिक्षा भी मिल रहा है कि समय यदि न मिले तो काम करते समय भी भगवान नाम उच्चारण किया जा सकता है। पहले हम लोग गाँव में देखते थे, जब खास करके नवरात्रि के समय चैत मास में जब देवी का व्रत आता था, उधर बिहार बंगाल में देवी पूजा बहुत होता है, तो देवी के लिए जो पूजा करने के लिए आटा पीसना होता, पूड़ी बनाना है या चना कुछ मिठाई बनाना है, तो उसको धोते समय, उसको पीसते समय जो चक्की में पीसती थी माता जी लोग, तो गीत गाती थी देवी के, देवी के गीत गा गा कर उसको पवित्र करके पीसती थी और उसको धो करके डालती थी। तो हम लोगों को अभी भी याद है, वो चना है या कुछ गेहूँ कुछ विविध प्रकार के धूप में डालती थी, तो हम लोग खेलते हुए अगर छू दिए चना को, उठा लिए खाने के लिए, अरे नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं मत छूओ, मुंह टेढ़ा हो जाएगा, देवी के लिए एकदम डर जाते थे हम लोग। और छू देने के बाद फिर उसको धोती, डांटती थी, तू मत खाओ, मत एकदम इधर मत आओ, और गीत गाती थी, गीत गा गा कर उसको पीसती थी। तो वैसे ही अगर काम समय न मिले तो भोजन बनाते समय, चलते समय, घूमते समय, टहलते समय, या और भी कोई काम कर रहे हैं उस समय भी हाथ से काम कर रहे हैं, मुंह तो खाली ही है ना, तो मुंह से भगवान का नाम लेना चाहिए। जानी जानी ही गीतानी तद बाल चरितानी च दधि निर्मंथने काले स्मरन्ति तान्य गायत। तो वाणी से कीर्तन करते रहना चाहिए, जप करते रहना चाहिए। तो ऐसे तो वैकुंठ धाम में तो सब कुछ संगीत ही है, कथा गानम नाट्यम गमनम बंसी प्रिय सखी, वहाँ सब कुछ संगीत ही है, चलना भी नृत्य ही है।
स्टाइल में चलते हैं झूमते हुए आनंद में, जो आनंदित रहता है वो थिरकता है, गुनगुनाता है, जो टेंशन में भारी पड़ा है वो क्या गाएगा, जिसके मन में बहुत टेंशन है उसके मुख से गान नहीं निकलता है, वो तो भारी हिमालय ढो रहा है। तो माँ यशोदा बड़े आनंद में गा रही हैं, अब उनके सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं, जो मथ रही उसको वीडियो बना रहे हैं। क्षौमम बासह पृथुकटि तटे बिभ्रति सूत्र नद्धम पुत्र स्नेह स्नुत कुछ जुगम जात कंपम च शुभ्रु रज्वा कर्ष श्रम भुज चलत कंकणौ कुंडले च श्वीनम वक्तम कवर बिलगत मालती निर्ममंथ। एकदम पूरा पूरा एज इट इज वीडियो बना रहे हैं, कह रहे हैं क्षौमम बासह पृथुकटि तटे। माँ यशोदा आज काम करने के मूड में है, इसलिए वो लहंगा पहनी है। लहंगा कैसी पहनी है? क्षौमम, रेशमी, रेशमी लहंगा पहनी है। रेशमी लहंगा पहन करके और उसको बेल्ट से बांधी है, हो सकता है सिल्क पहनी है तो स्लिप करे खुल जाए, तो इसके लिए बेल्ट से बांधी है, काम करने के मूड में है। बिभ्रति सूत्र नद्धम, सूत्र नद्धम माने बांधी है बेल्ट से, और पृथु कटे कमर को बांधी है, काम करने के मूड में है। अंग का सौंदर्य क्या है? बहुत ज़्यादा कपड़ा नहीं पहनी है, एकदम ब्रज में लहंगा पहनकर और उसको भी बांध कर रखी है, और रेशमी वस्त्र पहनी है। रेशमी वस्त्र पहनने के मुख्य कारण यह है कि कदाचित कोई देख ले, कोई घर में दासियां हैं कभी आ सकती हैं काम करने वाली, और ये मैया आज दही मथ रही हो क्या बात है, या कोई नंद बाबा ही आ जाए, कोई टोक दे, तो टोकने से काम की सफलता नहीं मिलती, उसमें बाधा आ जाता है। कोई यात्रा पर चल रहा है निकला, तब तक कोई पूछ दे कहाँ जा रहे हैं, तो उस समय नहीं बोलना चाहिए, बोलने पर यात्रा खंडित माना जाता है। या कोई काम प्रारंभ करने जा रहे क्या कर रहे हैं, तो ये थोड़ा इसको अवरोध अशुभ माना जाता है, तो ऐसा टोक देने से गड़बड़ होता है। और कोई नया नया देखेगा तो उसको क्या पता है कि आज क्या स्पेशल चिंता करके मथ रही है, कभी दही नहीं मथती थी तो नंद बाबा भी देख लेंगे तो कहेंगे अरे आज क्या बात है क्यों मथ रही हो, तो टोकने से क्या होगा कि वो कार्य भंग हो जाएगा, और भंग हो जाएगा तो हो सकता है कि बच्चा के खाने लायक माखन ना हो, जिन नज़रों से बचा करके वो आंचल से ढक करके दूध लाई है और फिर दही मथ रही है तो लोग टोक देगी, तो टोकने से वो कार्य खंडित हो जाएगा। लेकिन रेशमी वस्त्र पहनने पर वो पवित्र माना जाता है, उस समय अगर कोई टोक भी दे तो टोक नहीं लगता है, तो इसलिए रेशमी वस्त्र पहनी है स्पेशल, रेशमी वस्त्र पवित्र माना जाता है। और पवित्र वस्त्र धारण करने के बाद अगर कोई टोकता है तो कोई बात नहीं, या किसी बुरे नज़र वाले, तेरे आँख काला है क्या कहते, नज़र काला, मुख काला, मुँह काला या नज़र काला, तो कभी मकान बन रहा है कुछ बन रहा है तो किसी हाड़ी ओढ़ी पर चेहरा बनाते हैं एकदम भयंकर और उस पर काला वाला लगा देते हैं कि वो मकान देखने से पहले उसको देख ले या उस पर उसका नज़र पड़ जाए, खूब बढ़िया बना है फर्स्ट क्लास नज़र जाएगा तो हो सकता है कि बुरा नज़र वालों की नज़र लग जाए, कुछ गड़बड़ हो जाए, तो उसके नज़र को मारने के लिए एक चीज़ रख दिया जाता है। तो वैसे ही कोई टोक दे कुछ गड़बड़ हो जाए, इसलिए स्पेशल साड़ी भी पहनी है, ओढ़नी भी, लहंगा भी पहनी है, ओढ़नी भी रेशम की, इसका रेशमी, तो बड़ा सुंदर ड्रेस है, उस पर नज़र सबका समाप्त हो जाएगा, इसलिए स्पेशल वस्त्र पहनी है। अच्छा, ये तो उनके शरीर का डेकोरेशन हो गया, बेल्ट बांधी है, एकदम काम करने के मूड में है। और ये है अंग सौंदर्य। अब स्नेह सौंदर्य देखिए, एक ही श्लोक में तीन सौंदर्य है, अंग सौंदर्य, स्नेह सौंदर्य और सेवा सौंदर्य। तो अंग सौंदर्य है कि रेशमी वस्त्र पहनी है, बेल्ट बांधी है,
अब देखिए स्नेह सौंदर्य, अब स्नेह मन में है कि अपने लाला को मीठा माखन खिलाऊंगी, आज तो एकदम गदगद हो जाएगा, कहेगा कि मैया इतना बढ़िया माखन तो आज तक जिंदगी में नहीं खाया, वाह बहुत बढ़िया है। तो उसको सोचते सोचते माँ के पुत्र का गाढ़ स्मरण करने के कारण, अथवा यह स्मरण कर रही है कि अभी लाला जगेगा तो जगते ही मुझको याद करेगा, अरे मैया कहाँ है, बेड पर नहीं है तो याद करेगा, तो याद करके वो मेरे पास आएगा, ढूंढेगा, तो यहाँ बगल में हूँ, गीत गा रही है तो जान ही गया कि वहाँ मैया बोल रही है, तो आएगा। तो पुत्र के स्नेह के कारण इष्णुत कुछ जुगम, उनके अस्तन कुछ जो है, कुछ कहते हैं अस्तन को, तो पुत्र स्नेह स्नुतम चू रहा है कुछ जुगम, दोनों कुछ दोनों अस्तन कंचुकी से बाहर दूध टपक रहा है याद करने के कारण। अथवा एक विचार यह है कि ब्रज में प्रत्येक प्राणी, वहाँ जल नामक कोई चीज ही नहीं है, पेड़ पौधा जल या शरीर के अंग कपड़ा वस्त्र सब चेतन है, जड़ नाम का कोई चीज नहीं है। तो अस्तन सोच रहा है, उसके अंदर दूध जो है वो सोच रहा है कि अरे आज तो मैया माखन निकालेगी, कन्हैया के जगने के पहले तैयार कर देगी, और हमारे अंदर जो दूध है उसका क्या होगा, और रोज जगते हुए मुझे पीता है और आज माखन देने के मूड में है, तो कहा कि चलो मैं अपना प्रदर्शन करता हूँ, दूध चू रहा है, कृष्ण देखेगा तो याद आ जाएगा कि उसको पीना है। तो इसलिए स्नेह स्नेह के कारण पुत्र स्नेह स्नुत चुक कुछ जुगम, और डर रहा है इसलिए जात कंपच सुब्रम, ऐसे मैया मथ रही है तो मथने के कारण शरीर हिल रहा है, तो शरीर हिलने के कारण हाथ हिल रहा है तो अस्तन भी हिल रहा है, तो अस्तन जात कंप कह रहे हैं, कांप रहा है, तो कांपने का कारण है कि वो भयभीत है कि आज तो कृष्ण हमें नहीं पिएंगे, अथवा सेवा के कारण कांप रहा है। तो और चशुभ्रु, मैया का स्नेह दिख रहा है अस्तन से चूता हुआ दूध, और सुभ्रु का मतलब सुंदर भाव वाली, मैया मथते मथते बार बार बेड की तरफ देख रही है सुंदर नेत्रों से कि लाला जग गया क्या, मथ रही है लेकिन जग गया इस मूड में देख रही है। तो सुखदेव गोस्वामी उनके सुंदर नेत्रों को भी देख रहे हैं, सुभ्रु बहुत सुंदर भावें वाली माँ जसोदा अपने लाला की तरफ देखती है, अब बोल रहा है क्या, अंदर जगेगा तो बोलेगा मैया, तो इस मूड में उधर देख भी रही है तो बड़ा सुंदर लग रहा है। अच्छा, सेवा का सौंदर्य क्या है, सेवा कर रही है, तो रजवा करस सम भुज चलत, ये रस्सी खींच रही है भुजाओं से, तो कंकड़ौ कुंडले च, हाथ में जो कंगन है वो और कान में जो कुंडल है वो दोनों हिल रहे हैं। अब हाथ सेवा में लगा है, कीर्तन मुंह से गा रही है, भगवान के लीलाओं बाल लीलाओं को गा रही है, तो अब कंगन जो है कहता हम रह कर क्या करेंगे, हम भी कुछ सेवा करें, तो करताल का काम कर रहा है, वो हिल रहा है तो उसमें आवाज आ रहा है कंगन में, उनके स्वर में स्वर मिलाकर वो गा रहा है, कंकड़ऊ और कुंडले, और मैया जब उच्चारण कर रही है तो वह भगवान की कीर्ति कान में प्रवेश कर रहा है, तो कान में जो भगवान के गुण पड़ रहे हैं तो कुंडल भी नाच रहा है, अरे मैं कृतार्थ हो गया, भगवान के गुण भगवान के नाम भगवान की लीला कानों में आ रही है, ऐसे कान में मैं पड़ा हूँ, इसलिए वो भी हिल रहा है, तो बड़ा सुंदर सेवा की भाव है। और स्वीनम वक्त्रम कबर बिगलत मालती निर्मंथ, और जो मैया सुबह में स्नान करके और लहंगा फरिया पहन ली है और ऊपर जूड़े में जूड़ा को ऐसे ही बांध ली है, उस पर मालती की फूल लगा ली है, जो बेले की मालती के पुष्प लगाई है केस में जूड़ा में, तो वो सोच रहा है फूल कि बाप रे मैया इतना सेवा परायण है, मैं इसके सिर पर चढ़ा हूँ, धिक्कार है मेरे जीवन को, मैं ऐसे सेवा परायणा मैया के सिर पर बैठा हूँ, मुझ नीच को धिक्कार है। तो वहाँ से वो गिर कर, अरे मैया के चरणों में रहना चाहिए, तो ऊपर से गिर गिर कर नीचे आ रहा है चरणों में, तो मालती निर्ममंथ,
मत्ते समय कबर बिलगत बिगलत जो कबर में केश में जो मालती है वे नीचे गिर रहा है और स्वीन वक्त्रम और मैया मत रही कभी दही मथी नहीं है तो प्रथम बार मत रही है तो पसीना का बूंद भी आ रहा है। दीपावली के दिन है जाड़ा की भोर है भोर में 4 बजे मत रही है लेकिन कभी नहीं मथने के कारण पसीना आ रहा है और स्वीन वक्त्रम वक्त्र पर शरीर पर मुंह पर चारों तरफ पसीने के बूंद झलक रहे हैं। ये बहुत अच्छा लग रहा है, ये है सेवा सौंदर्य। मतलब भगवान के सेवा में पसीना आ जाना चाहिए, एसी में बैठकर सेवा नहीं किया जा सकता, काम परिश्रम होना चाहिए, इतना परिश्रम होना चाहिए कि पसीना निकल जाना चाहिए। एसी में भी बैठे हैं तो इतना पसीना काम होना चाहिए कि वहाँ भी पसीना आ जाए। तो कहते हैं स्वीनम वक्त्रम कबल बिगलत, यह है मैया का सौभाग्य, ये है सेवा सौंदर्य। तो ये कहीं श्लोक में अंग सौंदर्य स्नेह सौंदर्य और सेवा सौंदर्य का वर्णन सुखदेव गोस्वामी कर रहे हैं और लंबा श्लोक में बोल रहे हैं, एक श्लोक लंबा एक ही श्लोक में सारे वर्णन कर रहे हैं। तो इस प्रकार दही मथ रही है और सेवा कर रही है, बहुत सुंदर लग रही हैं, सौभाग्य मना रही हैं कि आज कृष्ण के लिए माखन निकालूंगी। तो सोई सुंदर सोई सुभग शरीरा जो तन पाई भजे रघुबीरा। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं कि सोई सुंदर सोई सुभग शरीरा, वही भाग्यशाली शरीर है वही सुंदर शरीर है जो तन पाए भजे रघुबीरा, जो तन जो शरीर भगवान के सेवा में लग जाए वह सुंदर है, वह सौभाग्यशाली शरीर है। तो इस तरह सेवा का सौभाग्य मना रही हैं। तो पुत्र स्नेह के कारण मैया इस तरह से मथ रही हैं और मथने के कारण उनके सौंदर्य का वर्णन जो हुआ। अब भगवान जगते हैं, देखिए पूर्ण काम आत्माराम पूर्ण काम भगवान का नाम है और किसी वस्तु की बाहरी जरूरत नहीं है लेकिन अपने भक्तों के प्रति भगवान का कितना स्नेह है कितना अपेक्षा है इसको देखिए। स्तम अस्तन्य काम आसाद्य मथनंती जननीम हरिः गृहीत्वा दधि मंथानम न्यसेधत प्रीतिमा वहन। उस समय भगवान जगे, जगने के बाद तुरंत अस्तन्य काम हो गए, निष्काम पूर्ण काम जिनको कोई बाहर की वस्तु नहीं चाहिए वह भगवान अस्तन्य काम हो गए। उनके मन में यह बात आ गई कि मैया का दूध पीना चाहिए, अस्तन से अस्तन्य बना है, अस्तन में जो संपत्ति है जो दूध है उसको अस्तन्य कहते हैं। तो हृदय में लीला की सुख स्मृति है, हाथों से दही मंथन कर रही है, मुख से लीला गान कर रही है और इस प्रकार तन मन और वचन तीनों लगा हुआ है सेवा में। तो ऐसे व्यक्ति जो बाणी से भगवान का गुणगान करता है, मन से भगवान का स्मरण करता है, तन को भगवान में लगाया है, तो तन मन और बाणी तीनों लगा है, तीनों को नियंत्रित करने के लिए त्रिदंड दिया जाता है सन्यासियों को कि तन मन और बाणी तीनों लगे। तो जब तीनों जिनका लग जाता है एक साथ एक तान हो जाता है तो उसे कहीं जाकर भगवान को नहीं खोजना पड़ता, उसके पास भगवान स्वयं आते हैं, जाना नहीं पड़ता है। जिसका तन मन और वाणी तीनों भगवान में सचमुच लग गया तो उसको देखने के लिए भगवान तरस जाते हैं। अब बेड से उठे और आए, जगे मैया मैया पुकारते हुए। अब तक भगवान सोए थे लेकिन माँ के स्नेह साधन ने उनको जगा दिया, इतना तत्पर है, तन मन बाड़ी से लगी हुई है, वे निर्गुण भी सगुण हो गए, उनको कोई चीज नहीं चाहिए, वे अचल से सचल हो गए, चल दिए और निष्काम से सकाम हो गए, अस्तन्य काम हो गए,
स्नेह के भूखे प्यासे भगवान माँ के पास आ गए, क्या सुंदर नाम हुआ अस्तन्य काम। सुखदेव गोस्वामी नाम रखते हैं, ताम अस्तन्य काम आसाद्य मथनंती जननीम हरिम। तब वहाँ से मंथन करते समय मैया के पास बैठे हुए निठल्ली माँ के पास नहीं जा रहे हैं, जो चुपचाप बैठा है आलस में उनके पास भगवान नहीं आते हैं, काम करने वाले सेवा करने वाले भक्तों को देखने भगवान आते हैं। कैसा सेवा कर रहा है, कैसी सेवा कर रहा है, तो सर्वत्र भगवान साधन की प्रेरणा दे रहे हैं, अपनी ओर आकृष्ट करते हैं, परंतु मथानी पकड़ कर मैया को रोक देते हैं। बस बस हो गया, तेरा साधन पूरा हो गया। भगवान आते हैं और गृहीत्वा दधि मंथानम न्यसेधत प्रतिमा बहन। भगवान जगे, जगते ही मैया पुकारे और देख लिए कि मैया उधर बोल रही है, आई तो दही मत रही है, तो आकर एकदम दधि मंथन को पकड़े और पकड़ करके रोक दिए, स्टॉप क्या कर रही हो, एकदम रोक दिए, न से धत रोक दिए। और मैया चुपचाप खड़ी है, बोल भी नहीं रही है, कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही है, और रोक दिए। और उस रोकने को सुखदेव गोस्वामी कहते हैं प्रीतिमा वहन, प्रेम की पिटारी मैया के सामने पटक दिए, मानो प्रीति को वहन करके ला दिए। प्रीतिमा वहन, प्रीति को, प्रेम को, स्नेह को मानो मैया के सामने रख दिए, प्रेम का पिटारा सिर पर लेकर श्याम सुंदर आए और मैया के पास रख दिए। प्रेम रही वह प्रभु ईश्वर, वास्तव में प्रेम ही प्रभु है, ईश्वर है। इस तरह से माँ के पास रखते हैं। अब तो क्या कर रही हो, अब साधन नहीं करना है, हो गया, पिस्ट पेस्ट से कोई फायदा नहीं, अब मैं तेरी साधना का फल आ गया, अब ज़्यादा तुम्हारे साधना का भार नहीं ढो सकता। माँ प्रेम से दब गई, निहाल हो गई, मेरा लाला मुझे इतना चाहता है। मैया ये क्या कर रही हो, बंद करो, मुझे दूध पीना है, कुछ नहीं बोल रही है मैया। तब देखिए क्या करते हैं, तमंक मारूढ़ पाय तन ये तमंक मारूढ़ पाय तस्तनम स्नेह स्नुतम सस्मित मीक्षति मुखम अतृप्त मुत्सृज जवेन साया उत्सृज माने पयसी त्वधिष्ठिते। तब तमंक मान तत्पूर्ण ब्रह्म भूमौ लुठती क्रोडम आरोहु कामः। कहते हैं मुझे ये सब बाहरी चीज नहीं चाहिए मैया, ये दही मथ रही है, क्या कर रही है, मुझे तो तुम्हारे हृदय का स्नेह, तुम्हारे हृदय का दूध चाहिए, तुम्हारे स्तन का दूध चाहिए। तमंक मारुणम अपाय स्तन स्तनम अपायत अपायत स्तनम, दूध पीने के लिए अब चढ़ना चाहते हैं जसोदा के गोद में, तो गोद में चढ़ने के लिए मैया हाथ नहीं बढ़ा रही है, मथानी को पकड़े और मथानी को पकड़ करके एक पैर उस मटके पर रखे, बड़ा मटका था, एक टीकाकार कहते हैं कि ददिया सास का मटका था, जसोदा के सास का मटका था पुराना, और बड़ा दूध दही खाया था, एकदम रीठा हुआ मटका, बहुत कीमती मटका था, जसोदा को उसमें बहुत आसक्ति थी, उस मटका को फोड़ेंगे तो मटका फोड़ने पर जसोदा को थोड़ा तिल मिला गई, नया मटका नहीं था, पुराना था, जसोदा के सास का मटका था, ददिया सास कहते हैं, तो वो उस मटका के ऊपर चढ़े, थोड़ा सा नहीं था, बड़ा मटका था, उसमें दही भरा था 25-30 लीटर दूध का, उसके ऊपर चढ़े, मथानी पकड़े और मैया चुपचाप खड़ी है, फिर ऊपर हाथ बढ़ाकर एक कंचुकी पकड़े और मैया के कमर पर हाथ रखकर कंधा पकड़े, गला पकड़े और चढ़ गए गोद में, और गोद में चढ़ने पर भी कुछ नहीं बोल रही, कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही है। इसके बाद कंचुकी से अस्तन निकाले और पकड़ लिए, तब मैया गोद में लेकर बैठ गई। इतना हुआ और तमंक मारुण अपाय तस्तनम अपने से चढ़ गए, जब अपने से चढ़ गए मतलब मैया अब उनको गोद में नहीं ली, बंद नहीं की, खुद बंद किए
और बंद करके गोद पर चढ़े, गोद में चढ़कर स्तन पीना जब चालू किए तब स्नेहस नुतम सस्मित मिक्षति मुखम, बैठ गई और स्नेह में दूध चुचुआ रहा था, सस्मित मिक्षति मुस्कुराते हुए मुख को देखने लगे। कई बार मैया के इस तरह के सौंदर्य का वर्णन हुआ। अभी बात्सल्य चल रहा है, 11वां अध्याय के बाद चालू होगा सख्य भाव। अभी सख्य चलेगा खूब जमकर, फिर माधुर्य गोपियों का भाव। अभी बात्सल्य चल रहा है, तो बात्सल्य का वर्णन कर रहे हैं कि फिर से चूम रही है, सस्मित मिक्षति मुखम, मुख को देख रही है मुस्कुराते हुए मुख को, जो मुंह में थोड़ा दूध भी भरा है ऐसे मुख को चूम लेती है बार बार और देखती है। अतिप्त मुत्सृज जवे न साया उत्सिच माने पैसी त्वधिष्ठते। अभी भगवान बड़े आनंद से दूध पी रहे हैं, तब तक एक घटना हो गई बड़ा भयंकर, कि वहीं पर आग के अंगाठी पर रखा हुआ उसी पद्मगंधा गाय का दूध, भोर में जो दुहा गया था वो दूध रखा हुआ था आग पर। अब भगवान दूध पी रहे हैं, मैया कलयुगी माँ तो है नहीं, उसके स्तन में अपार दूध है। आजकल के माताओं को तो बाहर से बच्चों को दूध पिलाता पड़ता है, स्तन में दूध ही नहीं है। लेकिन मैया जसोदा का दूध तो अपार समुद्र की तरह है, जितना पीना हो खत्म ही होने वाला नहीं है। तो पी रहे हैं आनंद से पी रहे हैं, और मैया भी उनको चूम चूम कर पिला रही है। माँ और बेटा दोनों परमानंद में विभोर है, और आग पर गर्म होते हुए दूध तो टेंशन में हो गया, बाप रे जब आज इतना स्नेह में पिला रही है और इसका दूध तो खत्म होने वाला नहीं, हमारी जरूरत ही नहीं पड़ेगा, तो हमने तपस्या करके ब्रज में जन्म लिया, घास बना और गायों के पेट रूप फैक्ट्री में जाकर दूध बना कृष्ण सेवा के लिए, लेकिन आज तो हमारा जीवन कृष्ण सेवा में लगेगा ही नहीं, तो व्यर्थ है, धिक्कार है ऐसे जीवन को, तो इससे अच्छा है कि कृष्ण के सामने ही आग में गिर कर सुसाइड कर लेना चाहिए। तो वो एकदम उफान में आ गया दूध, वो सोचने लगा कि किसी काम में नहीं आ सकता, एकदम उफान ले लिया, ऊपर आ गया, और अचानक जब ऊपर आया, ऊपर गिरने के मूड में, तब तक मैया की दृष्टि पड़ गई। तो मैया की दृष्टि ज्यों पड़ी तरी दूध गिरा, स्तन पीते हुए बालक को स्तन से छुड़ाकर जमीन पर रख दी और दूध बचाने के लिए चली गई। ये देखिए, यहाँ एक संकेत मिलता है कि कृष्ण सेवा कृष्ण से भी बढ़कर है, वो दूध कृष्ण के सेवा में लगेगा। मैया मन ही मन सोच रही कि हमारे स्तन का दूध कहाँ जा रहा है, जब मन करे पी लेगा, लेकिन ये पद्मगंधा का दूध, ये गाय का दूध जो परम औषधियों से युक्त है, यह दूध अगर गिर जाएगा तो फिर बाद में कृष्ण को कैसे पिलाऊंगी, इसलिए कृष्ण सेवा के लिए कृष्ण तक का त्याग, कृष्ण तक को, कृष्ण गोद में है लेकिन उसको बाहर जमीन पर रख दी और दूध बचाने चली गई। प्रभुपाद इसको कभी कभी कहा करते थे कि कृष्ण की सेवा के लिए हमें वृंदावन छोड़कर पाश्चात्य जगत में घूमना पड़ रहा है। कोई कोई पूछता, प्रभुपाद आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, अगर अचानक विदेश में शरीर पूरा हो गया तो कहते हैं ऐसा तो नहीं कृष्ण करेंगे, मुझे उन पर विश्वास है, अपने धाम में मेरा शरीर पूरा कराएंगे, लेकिन कदाचित हो भी गया तो कोई बात नहीं, धाम से बढ़कर कृष्ण की सेवा है, ये कहा करते थे। इसलिए मैं उस जवानों की तरह जो देश की सेवा के लिए सीमा पर लड़ते हुए अपना शरीर छोड़ देते हैं, अपना घर छोड़कर, वैसे भी मैं अपना घर वृंदावन छोड़कर बाहर भी मरने में तैयार हूँ कृष्ण के सेवा के लिए, ऐसे कहा करते थे। तो कृष्ण के लिए, कृष्ण के सेवा के लिए कृष्ण तक का त्याग, एक शिक्षा। तो अब तो उस समय अतृप्त मुत्सृज, अभी तृप्त नहीं हुए थे कृष्ण, देखिए कृष्ण का एक दूसरा नाम आ गया, वहां था स्तन्य काम, किसको, पूर्ण काम को, जिनको कोई कामना नहीं है उनका नाम सुखदेव गोस्वामी स्तन्य काम रख दिए, और जो पूर्ण तृप्त हैं उनको अतृप्त कह दिए, अतृप्त, अतृप्त को मुत्सृज, उनको हटा करके, जवेन साया वह जसोदा उत्सृच माने पैसी त्वधिष्ठते, अब दूध को उतारने के लिए चली गई कि इसको उठा करके दूसरे घर में छींके पर रख देती हूँ।
नहीं तो ये बार बार उफान आएगा, पता नहीं कब दृष्टि नहीं गई तो गिर जाएगा, अब तो गर्म हो गया है, इसको रख देती हूँ। तो उस दूध को उठाई, अंगठी पर रखा हुआ दूध में जब उफान आया तो यशोदा देखी और अतृप्त अवस्था में ही कृष्ण को छोड़ करके फिर वो दूध रखने के लिए चली गई। अब देखिए ये सब लीला ऐश्वर्य है, किस तरह से कैसे कैसे कृष्ण में विकृति आ रही है लीला के आस्वादन के लिए। ये पूर्ण सत्व में स्थित रहने वाले भगवान में न कोई रजोगुण है, न कोई तमोगुण है, न कोई कामना है, न कोई वासना है, लेकिन देखिए यहाँ अतृप्त कह दिए। फिर अब जब चली गई दूध लेकर दूसरे घर में रखने के लिए तो संजात कोपह, लो ये तमोगुण कहाँ से आ गया शुद्ध सत्व में, एक कोप आ गया, क्रोध आ गया, क्रोध तमोगुण की वृत्ति है। संजात कोप स्फुरितारुणाधरम, एकदम लाल लाल आंख अरुणा और लाल लाल ओठ, ओठ को दांतों से दबाए, संदस्य दद्भि दधिमंथ भाजनम। अच्छा, जिसके घर में 9-9 लाख गाय है, दूध दही की कमी नहीं है, और एक कंजूसनी थोड़ा सा दूध बचाने के लिए चली गई, एकदम क्रोध में आ गए। हम दूध पी रहे थे, हमको जमीन पर रख करके दूध बचाने चली गई है, क्रोध आ गया। और क्रोध आया तो भीत्वा मृषाश्रु, झूठिया आंसू, झूठा आंसू, मृषा अश्रु, आंसू नहीं आ रहा है लेकिन बनावटी आंसू, कुछ गड़बड़ करना है तो रोना भी पड़ेगा ना, कि हम दूध नहीं पिलाई हमको, कुछ तो करना पड़ेगा इसके लिए। अब बच्चे कभी कभी बहुत ड्रामा करते हैं, इतना चिल्लाते हैं एक बूंद आंसू नहीं। इतना चिल्लाते हैं, कभी कभी इतना चिल्लाते, दोनों साइड उनके हाथ में होता है, कभी कभी तो झूठे चिल्लाते हैं बहुत जोर से, एक बूंद आंसू नहीं। और कभी कभी बिना मतलब के इतना आंसू गिराते हैं कि हद हो जाता है, बंद ही नहीं होता आंसू। माताएं तो चिंतित हो जाती है कि कुछ हो गया क्या, डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। एक शीशक शीशक का लंबी सांस ले लेकर जब रोने लगते हैं देर तक, अगर खींच कर एक तमाचा मार दी तो आधा घंटा रोएगा। अब तो क्रोध में लग गया तमाचा, अपने पर पछताती है क्यों इसको मार दी, इसको कुछ हो गया। लंबी लंबी सांस लेता हुआ रोता है तो लगता है कि कुछ इसको गड़बड़ हो गया, डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। तो ये भगवान भी उस स्टाइल को अपना रहे हैं। मृषा अश्रु, बनावटी आंसू लेकर अब जगहास है वंग मंतरम गतः, अब ये खोजने लगे कि कुछ तो करना है, कुछ तो करना है। बस क्रोध आया, लाल लाल ओठ फड़फड़ाने लगे, दांतों से दबाए कृष्ण और इधर उधर खोजने लगे कि इस कुछ करना है इसको, ये दूध बचाने गई है, मूड बना लिए कि अभी मटका को फोड़ूंगा, थोड़ा बचाने गई है ना थोड़ा दूध, पूरा ये मटका का दही बर्बाद करूंगा। एक दूसरा नंबर, जो पुराना घर में बासी माखन रखी है उसको भी सब बंदरों को खिलाऊंगा, स्वयं खाऊंगा, बासी माखन खा करके बीमार पड़ूंगा, मथुरा हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ेगा तब पता चलेगा। अभी अभी थोड़ा दूध बचाने गई है ना, कितना महंगा पड़ेगा वो दूध बचाना, हमको चुपचाप पिलाती तो कुछ नहीं गड़बड़ होता, लेकिन अब इसको ज्यादा महंगा, ये कंजूसनी, इसको कोई कमी नहीं है दूध का लेकिन एक कंजूसी कर रही है ना, ज्यादा खर्च कराऊंगा, सारा माखन जो पुराना रखा हुआ है सारा बर्बाद करूंगा, एकदम प्लान कर लिए, सारे बंदरों को खिलाऊंगा, खुद 20-25 दिन का बासी माखन खाऊंगा तो निश्चित बीमार पड़ूंगा। जब बीमार पड़ूंगा तो हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा, डॉक्टर को भी पैसा देना पड़ेगा तब पता चलेगा। तो एकदम प्लान करके बस खोजने लगे इधर उधर, तो एक लोढ़ा मिल गया। अब लोढ़ा बतलाना तो बड़ा कठिन है शहरों में, पहले गांवों में सील बाटी होता था मसाला पीसने के लिए पत्थर का, तो एक चौड़ा पत्थर होता है एक छोटा, उससे मसाला पीसा जाता था, तो उसको बाटी कहते हैं, श्रीधर स्वामी कहते हैं शिला पुत्र, छोटा सा पत्थर मिल गया। तो मिल गया पत्थर, तो अब क्या किए कि मटके को
ऊपर से नहीं मारे, बगल के ही घर में थी, अगर मारेंगे तो धड़ से आवाज होगा तो दौड़ आ जाएगी। तो मटका को उठाए बाएं हाथ से नीचे पेंदी में और पत्थर को लेकर पेनी में डूब से मार कर और एक टीकाकार कहते हैं कि पेनी में मारे कि अगर मैया आ जाएगी कैसे फूटा कैसे, तो कहेंगे पता नहीं तुम्हारे मथानी से भीतर फूट गया होगा, मैं नहीं जानता, कुछ बहाना करूँगा। इसके लिए चलाकी से नीचे फोड़े और फोड़े बस दही फैल गया और दही फर्श पर फैला, पैरों में भी लग गया। अब तो बड़ा फेर हो गया, अब तो भागना ही पड़ेगा, अब कोई विकल्प नहीं है, आ जाएगी तो भागे। और भागे तो उनका फुटप्रिंट दही लगा हुआ चिन्ह बन गया। तो घर में अंदर चले गए और वहाँ जाकर एक उखल के ऊपर चढ़कर मटके के ऊपर रखे हुए सीके पर रखे हुए मटके को नीचे गिरा रहे थे धड़ाधड़, और सीटी मारकर बंदर बुला लिए और बंदर आकर खा रहे हैं, पूरा उत्पात चालू। और इस मूड में हो गए एकदम, और भयभीत भी थे कि मैया आएगी निश्चित मारेगी, तो भागना कैसे है, साइड भी देख लिए कि अगर इधर इस दरवाजे से आएगी तो इधर भागूंगा, एकदम तैयारी के साथ सब कुछ। और हैं भगवान, वो तो जो चाहे वो कर सकते हैं। तो इस मूड में भगवान अब मैया को छकाने जा रहे हैं, समय तो हो गया, अब शेष शाम को हरे कृष्ण अब इसी रूप में रहने दीजिए। मैं तो सोचा कि पकड़वा दूं उनको, लेकिन अभी उनको खाने दीजिए, बंदरों को बहुत दिनों से निमंत्रण दिए हैं। जो रामावतार में बंदर बहुत सेवा किए हैं, तो कृष्णावतार में उनको माखन खिला रहे हैं। उस समय तो कुछ दे नहीं पाए, बेचारे वनवासी थे और उनसे काम लिए, समुद्र मंथन कराए, युद्ध कराए, तो कृष्णावतार में माखन खिला रहे हैं। तो फिर शाम के समय इसका स्वादन करेंगे। हरे कृष्णा। आए अभी खाने दीजिए माखन अभी दूध रख कर आएगी, देखेगी तो अंदर जाएगी, तो वो सब अभी भगवान को बंदरों के साथ रहने दीजिए, उनको ज्यादा मजा आ रहा है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण जय श्री कृष्ण। और एकादशी उपवास किया है तो आप लोगों को भी खाने की तीव्रता होगी ना उधर भगवान को माखन खिलाए, हम लोग कल से उपवास बैठे हैं Krishna, Hare Krishna.
Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama.